जहाँ पर महिला से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम रामनगर डोसी में उपस्थित है जहाँ पर महिला का बचाव कार्य जारी है। NDRF की टीम लगातार प्रयास कर रही है। पूरे प्रशासन अधिकारी अपने अपने हिसाब से पूरा बचाव कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी सफलता मिलने की उम्मीद है। अब देखने वाली बात है कि सफलता कब तक मिलेगी, लेकिन प्रशासन अधिकारी अपने पूरे महजमा के साथ में यहाँ पर उपस्थित है और लगातार महिला का रेस्क्यू करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे बीच में प्रशासन अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत धोसी के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ उपस्थित है, जो लगातार शुरुआत से लेकर आज तक यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने एक प्रण ले रखा कि जब तक महिला नहीं निकलेगी मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा और चाय पानी से काम चलाऊँगा। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत धोसी और डाबर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ उपस्थित है। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं सरपंच का प्रतिनिधि बत्तीलाल बैरवा रामनगर डोसी से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर महिला बोर में गिरी है। जब से हम यहाँ पर जी जान से तन मन धन से इस काम को सक्सेस होने में हमारा अधिकारी प्रशासन कर्मचारियों ने सब जी जान लगा रखी है, रात दिन एक कर रखी है। कभी तो मिट्टी की खुदाई करते हैं तो मिट्टी दलदल आ जाती है, कभी बोरवेल से करते हैं तो उसमें भी परेशानी आ रही है। हमको काफ़ी मेहनत पड़ रही है, परेशानियों का सामना देखना पड़ रहा है और भगवान से विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम सफल हो जाए और इसमें संपूर्ण हो जाए। और मैंने तो भगवान से और इसकी आत्मा के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा ले रखी है कि जब तक ये बाहर निकल के वो नहीं होगी जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, 2 दिन लगे, चाहे कितने भी दिन लगो। और मैं कर्मचारी और अधिकारी प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जी जान मेरे साथ में दिन रात मेहनत करके इस काम को सफल बनाने में जी जान लगा रखी है। सर, अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है आपके पास, उसके बारे में क्या? अब सर, ताज़ा रिपोर्ट के आधार पे तो अधिकारी और कई काम करने वाले सब यही कहते हैं कि रात भर में काम सफल हो जाएगा और बाद में कोई बाधा आती है तो वो आगे की कार्रवाई उस हिसाब से होगी। सर धन्यवाद। और ये थे ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि और हमारे बीच में डाबर ग्राम पंचायत सरपंच के प्रतिनिधि राजू जी उपस्थित है। राजू जी, आप भी लगातार दोनों सरपंच यहाँ पर मौजूद है, मौके पर मैं आपको देख रहा हूँ। कई नेता भी आए, कई सामाजिक कार्यकर्ता भी आए, कई भामाशाह भी आए, आखिरकार प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है इस महिला को बाहर निकालने के लिए। कहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या कब तक ये बॉडी बाहर निकल जाएगी? देखिए सर, इसमें तो यही है कि ये हमारी जो टीम है NDRF की, सब टीम एकजुटता से काम कर रही है, लेकिन अब ये तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो तो उसके हिसाब से ही ये काम आगे बढ़ेगा, प्रोसीजर बढ़ेगा। लेकिन सबका सहयोग बहुत बढ़िया रहा है सभी। सबसे बड़ी बात ये है कि आप पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप बाहर बाहर से इधर से आए हो और यहाँ की कवरेज को आप दे रहे हो। इस महिला के लिए आप दुआ कर रहे हैं, हम सब दुआ करें ताकि ये परमात्मा ऐसा कोई चमत्कार करे कि ये जीवित निकले। तो सबका ही अच्छा सहयोग है, विशेषकर ग्राम पंचायत सरपंच का। मैं, मेरा साथी भाई है, मैं पड़ोस की पंचायत है, मैं इसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये 4 दिन हो गए इसको, इसके साथ साथ मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर हम सहयोग कर रहे हैं। जो भी हमारा सहयोग बन पड़ा हमसे, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम तो यही उम्मीद करते हैं। अभी उच्च अधिकारियों से जो बात हुई है टीम से, तो वो कह रहे हैं कि जहाँ तक उम्मीद ये है कि रात को 10-11 बजे तक शायद उनको कामयाबी मिल जाए। तो हम तो यही दुआ करते हैं, हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उस महिला को अगर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए। वैसे तो 4-5 दिन हो गए, उम्मीद कमी है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार हो जाए तो बढ़िया है। अगर ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सबका सहयोग अच्छा रहा, हम तो यही कहते हैं। अगर ऐसा हादसा किसी के साथ नहीं हो, इस दुखी घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। अब नेता आते हैं जाते हैं वो एक अलग बात है, सब राजनीतिक रोटी सेकते हैं, लेकिन जो धरातल पे जो अगर काम करता है तो वो तो ग्राम पंचायत स्तर पे ही काम होता है। इस आप एक गांव के प्रतिनिधि हो और इस तरह के जो बोरवेल गांव में खुली पड़ी हुई है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, संदेश यही है कि जो खुद निजी बोरवेल खुदवाते हैं तो उनको ये पानी अगर नहीं निकलता है, सूख के निकल जाते हैं, तो उनको उसी टाइम पे 1500 को मात्र खर्चा आता है, उनको रिपोर्टवा देना चाहिए। तो ये ऐसा हादसा नहीं हो। वैसे हम ग्राम पंचायत में अगर हम खुदवाते हैं और हमारा अगर कोई बोरवेल सूखा निकल जाता है तो हम तो उसको तुरंत भरवाते हैं, क्योंकि उसमें फिर वो हमारी ग्राम पंचायत की, पंचायत राज की जिम्मेदारी बनती है। तो उसमें
ज़्यादा अंदेशा होता है दुर्घटना का, तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा दुर्गत हादसा किसी के साथ नहीं हो, और हम भगवान से दुआ करते हैं कि ये ऑपरेशन जल्दी से जल्दी सफल हो। धन्यवाद। तो हमारे बीच दोनों गांव के सरपंच प्रतिनिधि मौजूद थे और उनसे हमने आपकी बात करवाई, और रेस्क्यू NDRF की टीम है, प्रशासन आदि सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रशासन का रेस्क्यू जारी है। अब बात यह है कि आखिरकार कब तक इस महिला को बाहर निकाल लिया जाएगा, कब तक सफलता मिलेगी, ये एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा है सामने। लेकिन जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी टेक्निकल इशू हैं और दिक्कतें हैं, उनको फेस करते हुए आला अधिकारी, कर्मचारी, छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी सब यहाँ पर मौजूद है, और सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगे हुए हैं महिला को बचाव कार्य में। और पल पल की जानकारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।